और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब भाइयों, आज की वीडियो में रहने वाले हैं दो गेम प्ले, और जितने भी भाई अपने सोलो में रैंक पुश कर रहे हैं ना भाई, वो इस वीडियो को बस एंड तक देखना, क्योंकि भाइयों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, और भाई बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ जो कि भाई सोलो रैंक पुशर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और भाई मोटिवेट भी करेगी। अब देखो भाइयों, बात करें अपने फर्स्ट गेम प्ले की, तो भाई मैंने FPS मीटर भी चालू कर दिया और मैं जा रहा हूँ अभी मिल्टा वाले इवेंट पे, और भाइयों उतरते ही अपने साथ बस देखना क्या सीन होने वाला है। अब भाइयों, मैं तो जैसे तैसे 1 HP बच गया था, लेकिन भाई यहाँ पे एक हैकर नहीं बच पाता है। आप लोग देख सकते हो BGMI का बैन पैन सिस्टम अब थोड़ा बहुत काम कर रहा है। भाई यही खुशखबरी थी आप लोगों के लिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई लीडर बोर्ड में आप लोग चेक करोगे ना भाई, बहुत सारे हैकर बैन हुए हैं। अब भाइयों लीडर बोर्ड में आधे से ज्यादा हैकर बैन हो चुके हैं, और भाई जो बचे हैं वो भी जल्दी हो ही जाएंगे। आप लोग भाइयों मेरी रैंक भी देख सकते हो, और अभी मैं आपको अपने स्टैट्स, करियर रिजल्ट सब कुछ दिखाने वाला हूँ। भाई देखो मैं 30 FPS पे कैसे प्लस निकाल रहा हूँ। आप लोग इजिली कॉन्कर कर सकते हो भाइयों, डिमोटिवेट नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। आप लोग भाइयों करियर रिजल्ट देख लो मेरा, आप लोग रोक रोक के प्लस भी देख सकते हो मैं कितना प्लस निकाल रहा हूँ। भाइयों मेरे बहुत सारे मैचेस बेकार जा रहे हैं, और भाई मैं बेकार मैचेस उनको बोलता हूँ जिसमें मैं टॉप 10 नहीं कर पाता हूँ। तो भाइयों मैं बहुत सारे मैचेस में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लैग होता है, जिसकी वजह से रोटेशन के टाइम ना कोई बंदा तो फाइट ले ही लेता है और मैं हार जाता हूँ। लेकिन भाइयों आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा भाई डेली गेम प्ले ला रहा है, वो भी 30 FPS पे FPS मीटर चालू करके। तो भाइयों आप लोग भी इजिली कॉन्कर कर सकते हो। और भाइयों अब आप लोगों को एस पे कॉन्कर नहीं मिलेगा, तो भाई अब आपको कितने पॉइंट्स पे कॉन्कर मिलेगा, और भाई कॉन्कर मिलता कैसे, ये भी बहुत सारे बंदों का डाउट है। तो भाई मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। अब भाई वो बात करें गेम प्ले की, तो भाई मैं बहुत देर से यहीं पे होल्ड कर रहा था इस टावर में, लेकिन भाई अपने को लूट की भी जरूरत थी, तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेके मैं चला जाता हूँ पीछे वाले बंदे से फाइट लेने। अब भाई वो पता नहीं यहाँ वाला बंदा कहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी नहीं था, तो भाई मैं थोड़ा बहुत यहाँ से आगे जाता हूँ फाइट लेने के लिए। तभी भाइयों अपने को एक बॉट मिल जाता है, और भाई मैं यहाँ पे कब से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन भाई अपने को कोई भी बंदा स्पॉट ही नहीं हो रहा है। अब एक किल तो अपना हो गया था बॉट का। अब भाइयों मैं यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड रखता हूँ, लेकिन भाई ना तो कोई बंदा स्पॉट हो रहा था, ना भाई कोई बंदा साउंड दे रहा था, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ये वाला व्हीकल लेके। तो देखो भाइयों अब बात करें कि आप लोगों को कॉन्करर कितने पॉइंट्स में मिलेगा, क्योंकि भाई अब आप लोगों को एस पे कॉन्करर नहीं मिलेगा। तो देखो भाई आज अगर आप लोगों को कॉन्करर चाहिए, तो आपको एस लगा के 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा कॉन्करर के लिए, क्योंकि भाई आज आपको कॉन्करर मिलेगा 4230 पॉइंट्स पे। और भाइयों बहुत से बंदों को ये भी डाउट है कि कॉन्करर मिलता कैसे है, तो देखो भाई आप लोगों को पूरे सर्वर की रैंकिंग में, जिसमें भी आप कॉन्करर रैंक पुश कर रहे हो, सोलो में, डुओ में या स्क्वाड में, तो भाई उसमें आपको 500 की रैंक के अंदर आना पड़ता है एस के बाद। मतलब भाई पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका एस होना चाहिए, और भाई दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप टॉप 500 के अंदर होने चाहिए भाई नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे से पहले पहले, तो भाई आपको इजिली कॉन्करर मिल जाएगा। भाई यहाँ पे एक बंदा मेरे पे फायर करता है, देखो इसको कैसे किल करते हैं। अब भाइयों इस भाई के लिए बुरा लगा, क्योंकि भाई मेरे व्हीकल की बस हेल्थ देखो आप लोग, अगर एक गोली और लग जाती तो मैं मर जाता, लेकिन ये भाई खुद ही मेरी व्हीकल के नीचे आ गए साइड से। और भाइयों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाई अपने 50 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, और भाई अपने चैनल के ओवरऑल 1K व्यूज भी कंप्लीट हो गए। तो बस भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो डेली, और जितने भी बंदे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही हो ना रैंक पुश करने में, भाई अपने भाई को बताओ, तुम्हारे भाई उस पर एक वीडियो बनाएगा जिससे कि आप लोगों का इजिली कॉन्करर हो जाए। अब भाइयों बात करें गेम प्ले की, तो देखो मैं 2 किल कर चुका था और अपना रिकॉल बाकी था, तो भाई मैं निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने, तभी अपने को पोचिंकी में एक बंदा स्पॉट होता है। और भाइयों इस भाई से काफ़ी देर तक फाइट चलती है, लेकिन पता नहीं भाई ये भाई यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि भाई मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ग्रेनेड कर दिए थे, और ये हर एक ग्रेनेड से थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ होगा। अब भाइयों मैंने भाई को चैन से जाने भी नहीं दिया, जाते वक्त भी बहुत सारा डैमेज दे दिया था। अब भाइयों जिस बंदे से अपनी फाइट चल रही थी, वो बंदा मेरी बग्गी के टायर फोड़ के चला गया था, और भाई मैंने उसका कैप्सूल उठा लिया था। भाई मैं यहाँ से निकल जाता हूँ उड़ के, क्योंकि मुझे शॉप से थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। अब भाइयों शॉप से लूट करके और अपना कैप्सूल लेके मैं निकल जाता हूँ जोन की साइड, और बस आगे देखना तुम्हारा भाई कैसे जोन में पहुंचेगा। जोन देख सकते हो आप लोग भाई कितना ज्यादा दूर है, और ये वाला डेथ सर्कल है इसके बाद। भाइयों मेरे पास जोन में जाने के लिए बहुत ज्यादा ही कम टाइम था, और भाई अगर मैं ब्रिज से जाता तो मुझे बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता, इसलिए तुम्हारा भाई सोचता है कि कैप्सूल से जाया जाए, क्योंकि भाई कैप्सूल पानी के ऊपर भी चल जाता है।
अब भाई मैं जोन के एच पे आके आराम से होल्ड कर लेता हूँ, और भाई मैं कभी भी किल्स के पीछे नहीं जाता, मैं हमेशा टॉप 10 के लिए खेलता हूँ। अब भाई अपने किल जितने होने होते हैं खुद ही हो जाते हैं। अब भाई नेक्स्ट सर्कल भी स्टार्ट होने वाला था, और भाई आप लोग देख सकते हो ये 5th या 6th सर्कल चल रहा है, और भाई आप लोग बस बंदे लाइफ देखो, काफी अच्छी लॉबी थी भाइयों ये। अब मैं जाता हूँ जोन की साइड। अब भाई वो जोन के एच पे ये कंपाउंड मुझे खाली मिल जाता है, तो यहाँ पे आके मैं आराम से होल्ड कर लेता हूँ, और अपने बगल वाले कंपाउंड पे एक बंदा है। अब भाई नेक्स्ट सर्कल भी स्टार्ट हो ही गया था, तो मैं निकल जाता हूँ जोन के लिए, और भाई अभी भी अपना टॉप 10 नहीं हुआ है, तो देख सकते हो आप लोग सर्कल कितना छोटा है। अब भाई इस लॉबी में इतना ज़्यादा लैग हो रहा था ना मेरा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बंदे लाइव थे, और जितने ज़्यादा बंदे लाइव होते हैं भाई उतना ज़्यादा लैग होता है, आईफोन तक लैग कर जाते कभी कभार, तो भाई मेरा तो तब भी 30 FPS है। अब भाई अगर आपके पास व्हीकल ना हो एंड सर्कल में सोलो में, तो भाई आप लोगों को भी कोई ना कोई बंदा ऐसे किल कर देगा, या तो भाई स्प्रे लेके थर्ड पार्टी में किल हो जाओगे, या फिर भाई कोई ना कोई बंदा गाड़ी चढ़ा देगा। भाई यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा लैग कर रहा था ना, और भाई बटन भी सही से काम नहीं कर रहे थे, मैं दबा रहा था बहुत ज़्यादा, लेट रिएक्ट कर रहे थे। बस देखो यहाँ पे मैं कैसे किल होने वाला हूँ। आई नीड अ वेपन। अब भाई मुझे साउंड आ गया था कि साइड से BRDM आ रहा है, भाई मैं भागने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई तब तक ये बंदा अपने पे BRDM चढ़ा देता है। अब इस मैच में आप लोग देख सकते हो मुझे 22 का प्लस मिला था, और हम इजीली टॉप 10 निकाल लेते हैं। अब भाई वो बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, लेकिन भाई उससे पहले आप लोगों का रैंक और टीयर क्या चल रहा है कमेंट करके बता देना, और भाई आज आप लोगों ने कितना प्लस करा वो भी बताना। भाई तुम्हारे भाई ने आज करा है 150 का प्लस, और भाई आज मेरा टारगेट है कि मैं क्राउन फर्स्ट लगा दूँ, अपना क्राउन सेकंड होने वाला है, 30-40 का कुछ प्लस चाहिए, और भाई मेरी रैंक चल रही है 5000 के आसपास। अब देखो भाई इस मैच में भी मैं जोन के बाहर ही सरवाइव कर रहा था आराम से। अब भाई जोन के एज पे पहुंच के हम कहां पे जाके होल्ड करते हैं, बस देखो। अब भाई वो जोन के एज पे मुझे ये वॉच टावर खाली मिल जाता है, तो मैं यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ जब तक कि नेक्स्ट जोन स्टार्ट नहीं हो जाता है। और भाई वो सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया था, लेकिन भाई मेरे पास कोई भी स्कोप नहीं था, तो देखो बस। अब भाई ये बंदा 10 से 20 HP बच गया होगा, और भाई मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई सोलो में आपके पास व्हीकल तो होना ही चाहिए, तभी आप लोग एंड सर्कल सर्वाइव कर सकते हो। अब भाई इस बंदे के पास भी व्हीकल नहीं था, बस देखना इसके साथ क्या सीन होने वाला है, इसको अपन ही किल करेंगे। अब भाई ये बंदा वही था, इसके ऊपर हम गाड़ी चढ़ा के इसको इजिली किल कर देते हैं। अब भाई आप लोगों को ना हमेशा स्मोक का ही प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अब भाई आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि भाई अगर आप लोग स्मोक का यूज़ नहीं करते हो तो भाई क्या सीन होता है आपके साथ। अब भाई आप लोगों ने मेरे गेम प्ले में देखा ही होगा कि मैं तो हमेशा प्रॉपर यूज़ करता हूँ पूरे स्मोक का, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो जाती है। बस आप लोग देखो ये बंदा मुझे कैसे किल करता है। अब भाई मुझे इस बंदे की पेटी लूटनी थी, क्योंकि भाई मेरे पास लूट की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन भाई मेरे पास देखना क्या सीन होने वाला है। बस अब भाई स्टार्टिंग में मुझे ये बंदा हैकर लगा था, लेकिन भाई जब मैं डेथ रिप्ले देखता हूँ तो भाई मुझे पता चलता है कि मैंने स्मोक यूज़ तो कर रखा है, लेकिन भाई जिस जगह पे मैं लेटा था वहाँ पे स्मोक सही से था ही नहीं। तो भाई आप लोगों को भी अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियों से सीखना है, और भाई नेक्स्ट मैच में आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि भाई आप लोगों का भी इजिली कॉन्करर हो जाए। और बाकी भाइयों आप लोगों में से 72% भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।